बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, क्या हाल है आपके, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, खैरियत से होंगे अपने घरों में। मैं भी अपने अल्लाह के फजल से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। तो आज जो रेसिपी हमारे किचन में बनने जा रही है बहुत ज़बरदस्त सी है, सबके घरों में बनती है, मुझे पर्सनली भी बहुत पसंद है। जी हाँ, कीमा भरे करेले बनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और बनाते हैं कीमा भरे करेले। उसके लिए सबसे पहले करेले अभी तक मेरे पहुंचे नहीं है, जब तक मैंने कहा मैं कीमा चढ़ा देती हूँ। 3 से 4 टेबलस्पून मैंने डाल दिए हैं इसमें अपने ऑयल के, और अपनी फ्लेम को ऑन कर लूँगी। चलिए अब इसको थोड़ा सा ऑयल को गर्म होने देते हैं, फिर इसमें बाकी की चीज़ें शामिल करते हैं। जी व्यूअर्स, अब इसमें हम क्या शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून मैं इसमें शामिल करूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट, ठीक है, और 2 से 3 हरी मिर्चें मैंने काटी हुई वो शामिल करेंगे, और इसका हल्का सा हम करेंगे फ्राई। अच्छा, ऑयल 3 से 4 टेबलस्पून ही थोड़ा ही रखेंगे, क्योंकि इससे हम जो कीमा बनाएंगे वो हमें करेलों के अंदर भरना है, इससे ज़्यादा ऑयल नहीं होना चाहिए वरना हमें भरने में मुश्किल होगी, ठीक है। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। जी व्यूअर्स, इसको मैंने फ्राई कर लिया, अब इसके अंदर मैं अपना कीमा शामिल कर लूँगी जो मेरे पास मटन का है, ठीक है। मटन का तकरीबन ये मेरा 750 ग्राम 3 पाव के करीब मेरा कीमा है, इसको मैंने शामिल कर दिया है। इसको मिक्स करेंगे इस तरह से, थोड़ा सा इसको 1 से 2 मिनट मैं फ्राई करूँगी, इसमें भूनूंगी अपने कीमे को जब तक इसका मीडियम फ्लेम में कलर चेंज नहीं हो जाता, फिर उसके बाद हम इसमें अपने जो स्पाइसेस है वो ऐड करेंगे, ठीक है। जी व्यूअर्स, वो आप देख रहे हैं मेरे कीमे का जो कलर है वो चेंज हो चुका है। अब इसमें मैं अपने ड्राई स्पाइसेस शामिल करना शुरू कर दूंगी। सॉल्ट डालेंगे इसमें हसबे जायका, ख्याल कीजिएगा क्योंकि अभी हम जब दूसरी तरफ मसाला भूनेंगे दोबारा कीमे का उसमें भी डालेंगे, इसलिए हम इसमें नमक का हाथ ज़रा हल्का ही रखेंगे, ठीक है। नमक चला गया, लाल मिर्च जाएगी इसमें 1 टीस्पून। अच्छा, 1 टीस्पून ही इसमें कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। हल्दी जाएगी 1 टीस्पून इसके अंदर। चलो, गरम मसाला पाउडर जाएगा 1 टीस्पून, क्योंकि ये सारे मसाले जब हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे उसमें भी जाएंगे। कुटा हुआ जीरा और धनिया 1 टेबलस्पून, ठीक है, या 1.5 टीस्पून कर लें। ये सारे स्पाइसेस डाल दिए मैंने, अब इसको मज़ीद 1 से 1 मिनट तक मैं इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे भूनूंगी इन सारे मसालों के साथ अच्छी तरह से। जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं पानी इसका ड्राई हो चुका है भूनने का, और मैंने इसको 1 से 2 मिनट मज़ीद इसको मसालों के साथ भून लिया है। अब इसमें मैं पानी शामिल करूँगी, तकरीबन आप इसमें 1 गिलास पानी शामिल करेंगे, फ्लेम को लो टू मीडियम करेंगे, और अपने कीमे को हम छोड़ देंगे गलने के लिए। तकरीबन 20 से 25 मिनट हम अपने कीमे को गलने के लिए छोड़ देंगे ढक्कन, ताकि ये अच्छी तरह से कुक हो जाए। चलिए मिलते हैं 20 से 25 मिनट के बाद। जी व्यूअर्स, ये मैंने करेले ले लिए हैं, अब उनको अच्छी तरह से ऊपर से छुरी से खुरच खुरच के मैंने ऊपर वाला हिस्सा इसका जो रिमूव कर दिया है, और बीच में से कट लगा के इसके जो है बीज हैं जो सीड्स हैं वो भी रिमूव कर लिए हैं। थोड़े बड़े साइज़ के हैं क्योंकि नौकर को भेजा था अपने मैंने 2 दफ़ा, हालांकि उसको कहा है भी साइज़ छोटा लाओ, लेकिन जो लेके आया मुझे वही पकाना है। तो चलिए अब इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हमने जब इसको इसकी सीड्स रिमूव कर दी और ये जो खाल ऊपर से मतलब इसके रिमूव कर दी, अब इसको हम नमक लगाए। अब नमक लगा लगा के ये मेरा ठंडा ठार चिल जो है बर्फ वाला पानी है, अब इसमें मैं अपने करेलों को डिप कर दूंगी। जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं तकरीबन 20 से 25 मिनट हो गया है, मेरा कीमा बिल्कुल गल चुका है और पानी भी इसका ड्राई हो गया। आप देख रहे हैं ना कोई ऑयल है ये देखो, और ना ही कोई पानी है। इसी तरह का आपका कीमा होना चाहिए, क्योंकि हमने इसको फिल करना है करेलों के अंदर। अब इसको हम एक तरफ कर लेंगे और इसको ठंडा कर लेंगे। अब पर हम ग्रेवी तैयार करेंगे अपने कीमे की। चलो जी व्यूअर्स, एक दूसरी मैंने बेचकी ले ली है, अब इसमें मैंने तकरीबन 1 कप ऑयल डाला है, इसको गर्म कर लूँगी और फिर इसमें मैं अपने प्याज शामिल करूँगी। इसको थोड़ा गर्म होने दे देते हैं।
जी व्यूअर्स, ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसमें प्याज, दो अदद बड़े साइज के प्याज जो है मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं, स्लाइसेस कटे हुए हैं। अब इसको हम फ्राई करेंगे जब तक कि गोल्डन, नाइस गोल्डन कलर इस पर नहीं आ जाता, हम इसको फ्राई करेंगे। जी व्यूअर्स, अब प्याज देखिए हमारे गोल्डन होने शुरू हो गए हैं। अब इसमें मैं 3 अदद टमाटर जो नॉर्मल साइज है वो शामिल कर दूँगी। प्याज का कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो तो सालन काला हो जाता है। कुछ चीज़ों में जैसे पुलाव है हमारा, कोरमा है, हमें तो डार्क चाहिए होते हैं, बट इसके ऐसा नहीं है। अब हम इसके मसाले शामिल करेंगे, नमक डालेंगे हसबे जायका, लाल मिर्ची का पाउडर 1.5 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, धनिया पाउडर। अच्छा, धनिया और ज़ीरा मैंने जो जब कीमा करेलों के लिए तैयार किया था उसमें कुटा हुआ डाला था, बट इसमें मैं पिसा हुआ डालूँगी। 1.5 टीस्पून हम धनिया पाउडर डालेंगे और 1.5 टीस्पून ही हम इसमें ज़ीरा पाउडर डालेंगे। सारे मसाले शामिल कर दिए हैं, इसको अच्छी तरह से हम भूनेंगे अपने मसाले को। थोड़ा करके पानी शामिल करूंगी मैं ताकि हमारे मसाले जो है जले ना, और साथ साथ अपने मसाले को मैं भूनती जाऊंगी। ठीक है, तो अब इसको हम भूनेंगे अच्छी तरह से जब तक कि ये सारे मसाले एक जान ना हो जाए, अच्छी तरह से ये पेस्ट ना बन जाए जब तक हम अपने मसालों को भूनेंगे। जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा मसाला बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है। अब इसमें मैं अपना कीमा शामिल कर दूंगी, आधा कीमा जो है मैं आधे से थोड़ा कम जो करेले के लिए बचा के रख लूँगी, क्योंकि करेले मेरे 4 से 5 अदद है अंदाजे से, और बाकी का जो कीमा है वो मैं इसमें अपने मसाले में शामिल कर लूँगी। जी व्यूअर्स, थोड़ा सा गर्म मसाला एंड में डालेंगे, कीमा मेरा बिल्कुल रेडी है। अब हम चलते हैं अपने करेलों की तरफ। जी व्यूअर्स, अब मैंने एक पैन चढ़ा लिया है, इसमें अब आ गया है करेलों को फ्राई करने का टाइम। करेलों को मैंने नमक लगा के रखा हुआ था ठंडे पानी में, उनको अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के धो लिया है। धोने के बाद उनको निचोड़ लिया है। निचोड़ा कैसे है, या तो आपके पास कोई मलमल का कपड़ा है उसमें आप अच्छी तरह से उसके अंदर डाल के उसको निचोड़ लें हल्का हल्का दबा दबा के, या आप हाथों से कर लें। ये देखें मैंने इस तरह करके रख ली है, अच्छी तरह से पानी खुश्क हो चुका है। उसके बाद फिर हमने ये ऑयल चढ़ा दिया है, इसको अब गर्म करेंगे। जैसे ये गर्म होगा तो हम इसको अपने करेलों को फ्राई करेंगे। जी व्यूअर्स, अब अपन करेलों को इसमें शामिल कर लेंगे और हम इसको करेंगे फ्राई। जब तक फ्राई करेंगे जब तक कि हमारे करेले अच्छे से लाइट गोल्डन कलर के नहीं हो जाते। अब इसको हम फ्राई करेंगे, बाजो भरने के बाद उसको हल्का हल्का शैलो फ्राई कर लेते हैं। लेकिन मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है कि आप करेलों को पहले फ्राई करें और फिर उसको आप भरें और उसमें दम लगाएं कीमे के साथ, तो उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू आप पहले से उसको भर के और फिर फ्राई करें। तो आप वैसे भी कर सकते हैं अगर आपको वैसे अच्छा लगता है, अगर आपके घर में वैसे बनता है। और लेकिन हमारे घर में जो है मैं पहले फ्राई करती हूँ, फिर उनको मैं जो है भरती हूँ और उसके बाद हम कीमे के साथ दम पे लगा देते हैं। चलिए इसको गोल्डन करते हैं। जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं इस पर जो कलर आ गया है मेरे करेलों पे, बस इतना ही मुझे चाहिए, क्योंकि ज़्यादा करेंगे तो फिर वो डार्क साइड पे चला जाता है। ठीक है ना, ये आप देख रहे हैं किस तरह का गोल्डन कलर मेरे करेलों पे आ गया, बस इसी तरह का मुझे ये देखें बस इसी तरह का चाहिए। अब मैं फ्लेम को ऑफ कर लूँगी और करेलों को निकाल के इनको ठंडा कर लूँगी। जी व्यूअर्स, ये देखिए मैंने एक करेले भर लिए, मैंने कहा एक करेला आपका सामने भरूंगी, इसके अंदर जो कीमा मैंने रखा हुआ था इस तरह भर के। चल, करेलों का साइज जो है वो सही नहीं मुझे आज मिला, लेकिन चले कोई बात नहीं। चले, अब इसके ऊपर हम धागा लपेटेंगे, धागा लेंगे और इसको इस तरह करके
बंद करके इस तरह, ये देखिए ये हमने लपेट दिया। चल ठीक है, इसी तरह मैंने सारे रख लिए। अब ये सारे करेले हम अपने कीमे में शामिल कर देंगे। जी बेस जो कीमा बनाया था उसमें मैं अपने करेले शामिल कर लूँगी। ये मैंने करेले शामिल कर दिए, अब इनको दम पे रखूँगी। फ्लेम को करेंगे हम लो पे और इस पे गरम मसाला मैंने शामिल कर दिया है। थोड़ी सी हरी मिर्च शामिल करूँगी और इसको हम लगाएंगे दम। तकरीबन 8 से 10 मिनट तक मैं इसको दम लगा के रखूँगी और फिर हमारे ये कीमा भरे करेले बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। जी व्यूअर्स, हमारे ज़बरदस्त से कीमा करेले रेडी हैं। ये मैंने फ्लेम को ऑफ़ किया, अब मैं इसको करूँगी डिश आउट। अब देखिए कितना ज़बरदस्त है इसका लुक आ गया है। थोड़ी सी हरी मिर्ची भी मैंने शामिल कर दी थी। तो चलिए आज की अपनी ज़बरदस्त कीमा भरे करेले हम जो अपने डिश आउट करते हैं। जी व्यूअर्स, ये थे आज के हमारे ज़बरदस्त से कीमा भरे करेले। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी है। बहुत ही मज़े की बनती है ये रेसिपी। मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। आपकी दुआओं की, प्यार मोहब्बत सपोर्ट की हमेशा से मुझे ज़रूरत है और आगे भी हमेशा रहेगी। अपना बहुत सारा ख्याल करें और दुआ में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।